हेलो फ्रेंड्स, आज हम काश्यप संहिता फिलिस्तान अध्याय 25 देश सात में अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में जीवक ने आचार्य काश्यप से प्रश्न पूछा है कि कस्य देशस्य मध्ये तु कुरुक्षेत्रम प्रतिष्ठितम, अर्थात कुरुक्षेत्र किस देश के मध्य में स्थित है, और जीवक ने आचार्य काश्यप से देश सात में जानने की इच्छा भी प्रकट की। आचार्य काश्यप ने यह प्रश्न सुनकर उत्तर दिया, कुरुक्षेत्रम मध्य देशाद्यो योजनाया शतपरम, अर्थात कुरुक्षेत्र देश के मध्य में 100 योजन विस्तार वाला है तथा इस प्रदेश के पुरुष समस्तान षडरसान प्रायो भुंजते मध्य देश जा, अर्थात मध्य देश के पुरुष सभी 6 रस का सेवन करते हैं एवं भक्ष्य भोज्य अन्य वीरास्तु, यानी भोजन करने में वीर यानी अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करते हैं। पूर्व देशस्तु विज्ञेयो मधुर शीतलो गुरु, पूर्व देश में मधुर शीत और गुरु गुण की बहुलता बताई गई है, और पूर्व देश के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुमारवर्तनी, कटिवर्ष आदि आदि, चीर सचीरकम, सचीरकम अर्थात चीन देश, मगध मगधुसु महाराष्ट्र मतलब मगध देश का महाराष्ट्र, ये सभी जो देश हैं, कलिंग देश, कौशल देश, ये सभी जो देश हैं ये पूर्व देश बताए गए हैं, और इनमें मधुर शीत और गुरु गुण की प्रधानता बताया है। पूर्व देश के जो पुरुष हैं उनमें प्लीहा रोग एवं गलगंड रोग अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, प्रायः यहाँ के पुरुष गुड़शाली ओदन का भोजन करते हैं, मछली का सेवन ज्यादा करते हैं, और ये इनका आहार मुख्य रूप से मधुर होता है, और मुख्य रूप से इनकी प्रकृति वात कफज बताई गई है। ये सभी पूर्व देश के पुरुषों के बारे में बताया गया है, इसलिए पूर्व देश के पुरुषों में रोगियों में कटु तिक्त रुक्ष उष्ण भोजन का सेवन कराना चाहिए और श्लेष्म नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। आगे आचार्य काश्यप दक्षिण दिशा में स्थित देशों के बारे में बताते हैं और उनका कुछ उदाहरण दिया है, जैसे कांचीपद, वानसी, कुमुद राज्य, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, और यह अध्याय यहीं तक उपलब्ध होता है, इसके बाद यह अध्याय खंडित है। दोस्तों, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर चैप्टर्स। Thank you for watching this.